आसाई परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचित्य कान्तासां सुखं सुस्वाप पिंगला। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयामि। गीता जी में कहा आसुर प्रकृति के लोग सैकड़ों प्रकार की आशाओं के बंधन से बंधे रहते हैं। विषय भोगों की पूर्ति के लिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वे अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है अब दारुण दुख देत दयानिधि दारुण आश पिशाची। कहते प्रभु आपकी शरण में आगे कोई दुख नहीं है, पर ये आशा पिशाची अब भी दारुण दुख दे रही है। इसमें भैया बिनुधन निर्मल सोह आकाशा हरिजन प्रभु विश्वास आस जिन जीती ते सेवक हरि केरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोलुप हैं, दूसरों की आशा करते हैं, वो किसी के गुरु नहीं, वो तो सबके चेला है, वो सबके सेवक। आशा जिनको बनी, सच्चे दास भगवान के वो हैं जिन्हें भगवान में विश्वास है और भगवान की ही आशा है, दूसरे की आशा नहीं है। ये आशा महाराज जी बड़ी भयंकर नदी है। बंगला उड़िया भाषा की एक कहावत है आशा वैतरणी नदी। वहाँ के लोग कहते हैं आशा वैतरणी नदी। वैतरणी नदी है बंगाल उड़ीसा में, बड़ा भारी विशाल नदी है। बोले वो आशा ही वैतरणी नदी। वो कैसी है? आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला रागग्राहवती वितर्क व्यंगा धैर्य मध्वंसनी महावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटे तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदंति योगीश्वरा। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने कहा है आशा नाम की बड़ी भयंकर नदी है, इसमें मनोरथ रूपी जल है, तृष्णा की तरंगें उठ रही हैं, राग रूपी ग्राह इसमें निवास करता है, संकल्प विकल्प रूपी पक्षी इसमें रहते हैं जो, और इसकी धारा इतनी तीक्ष्ण है कि धैर्य के दृढ़ता रूपी वृक्ष को, तटवर्ती वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देती है। चिंता रूपी बड़ी बड़ी करारें हैं, उसके ऊपर जो पार उतर जाते हैं वे ही योगीश्वर सुखी होते हैं। महाराज जी आशा नहीं जल्दी। एक सुंदरदास जी हुए महाराज, राजस्थान के संत सुंदरदास जी। वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था, खंडेलवाल वैश्य कुल में। पर उच्च कुल के सहयोगी है वो सहयोगी है दादू दयाल जी के साथ। कुछ कोटि के भक्त सुंदरदास जी की वाणी बड़ी विचित्र है। सुंदरदास जी कहते हैं, गेह तजो, व्याख्या नहीं करेंगे, केवल सुनिए। गेह तजो, घर छोड़ दिया। पुनिनेह तजो, पुनि खेह लगाई के देह सवारी, पूरे शरीर पर भस्म चढ़ा लिया। मेघ सहे, सिर सीत सहे, तन धूप समय जू पंचाग्नि बारी, गर्मी में पंचाग्नि तपी। भूख सहे, तरी रूख तरे, पर सुंदरदास सहे दुख भारी। सब कुछ किया पर दास छाड़ी, पर आसन मारी पे आसन मारी। आसन तो मार लिया पर आशा तो नहीं। आशा जब तक नहीं मारोगे तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे आप लोगों का परिवार है, ऐसे ही संतों का भी परिवार है। संतों का परिवार क्या है? धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, शांति स्थिरंगेहि, सत्यम मित्रमिदम, दया च भगनी भ्राता मनः। शय्या भूमितलं दिशो प्रसन्नं, ज्ञानामृतं भोजनं, ये ते यस्य कुटुम्बिनो वदसके कस्मात्। योगिनां विरक्तों को, योगियों को किसी से भय नहीं। उनका धैर्य समायुक्त की माता है, शांति उनकी गृहिणी है, सत्य ही मित्र है, दया बहन है, मन का संयम भाई है, और धरती ही उनकी सजा है, दिशाएं ही उनकी वस्त्र हैं, और अमृत में ज्ञान ही उनका भोजन है। ऐसा दिव्य परिवार जिसमें